हेलो स्टूडेंट्स, और स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और काफ़ी टाइम बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, तो जो हमारा नया सेशन स्टार्ट हो रहा है उसी से संबंधित मैं कुछ अपडेट्स देना चाहता हूँ। और वीडियो के अपडेट्स भी मैं दूंगा कि अब नई वीडियोस कब से बनेगी, नए लेक्चर्स कब से आएंगे। और इसी के साथ साथ इस साल कुछ चेंज हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोरोना के कारण एग्जामिनेशन नहीं हो पाई है, तो हमारे कुछ डाउट्स हैं उनको पहले मैं क्लियर कर देता हूं। और इसी के साथ साथ आप मेरे को ये भी बता दीजिएगा कि आपको मैथमेटिक्स पे और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको कुछ और टॉपिक्स बता देता हूँ कि उन टॉपिक्स पर हम आज देखेंगे। कि हमारा पहला टॉपिक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम, जो हमारे 2020-2021 में होने वाली थी, क्योंकि आपको पता है कि नहीं हो पाई है, तो कुछ सरकार ने निर्णय लिए हैं कि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके साथ उनके एग्ज़ाम हो गया नहीं, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की एग्ज़ाम हो गया नहीं, और ऐसे ही थर्ड ईयर्स के स्टूडेंट्स के भी हमको एग्ज़ाम के बारे में कुछ सूचना है जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इसी के साथ हमारा जो नया सेशन है वो हमारा नया सेशन है इस बार से 10th जुलाई से स्टार्ट होगा। मतलब हमारे जो नई वीडियोस हैं वो स्टार्ट होंगी 10 जुलाई से, रेगुलरली अपलोड होने लग जाएंगी। और सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी जो एग्ज़ामिनेशन है, आपको पता है कि जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनको 100% है कि वो प्रमोट कर दिए जाएंगे, और प्रमोट करने के लिए उनके 10th और 12th के नंबर के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। तो जो भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट थे पिछले साल, वो अब सेकेंड ईयर में प्रमोट कर दिए जाएंगे, और इसी के साथ साथ वो अपने सेकेंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इतना हम क्लियर करते हैं। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स पे। देखिए, सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स का भी प्रोविजनली प्रमोट कर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी जो एग्जामिनेशन है वो दिसंबर तक ली जा सकती हैं, जब हमारी कोरोना की सिचुएशन अंडर कंट्रोल हो जाएगी। तो इसी के साथ साथ वो अभी अपने सेकेंड ईयर की पढ़ाई को जारी रखें, क्योंकि उनको एग्ज़ाम उनकी होनी तय है लगभग। फिर भी अगर कुछ परिस्थितियाँ चेंज होती है तो बात की हम बात नहीं कर सकते, लेकिन अभी के लिए उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है, क्योंकि वो थर्ड ईयर के अंदर जाएंगे तो उनको एग्ज़ाम देख रही थर्ड ईयर में जाना पड़ेगा, तो इसलिए उन्हें सेकेंड ईयर की पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। तो सेकेंड ईयर वालों को क्या किया जा रहा है, अस्थाई प्रमोट किया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि अब हम बात करते हैं थर्ड ईयर के स्टूडेंट की, तो थर्ड ईयर के स्टूडेंट का पक्का कन्फर्मेशन है कि उनको जुलाई लास्ट या फिर अगस्त फर्स्ट वीक में उनकी एग्जामिनेशन ले ली जाएंगी। ठीक है, तो अब तीनों क्लास का हो जाएगा, क्लियर हो चुका है कि तीनों को किस हिसाब से पढ़ाई करनी। अब हम चलते हैं कि जो हमारा न्यू सेशन 10 तारीख से स्टार्ट होगा, तो उसमें वीडियोस स्टार्ट हो जाएंगी हमारे, यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों की वीडियोस अपलोड होने लग जाएंगी रेगुलरली। और अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं, यदि उनका एग्जामिनेशन होता है तो उनका एग्जामिनेशन का ड्यूरेशन क्या होगा, एग्जामिनेशन यदि किसकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो गई है या नहीं हुई है, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होंगे या नहीं होगी, तो अब हम देखते हैं कि पेपर ड्यूरेशन की अब बात करते हैं। तो पेपर ड्यूरेशन की हम देखते हैं कि जो हमारा पेपर ड्यूरेशन है वो 1 घंटा या फिर 1.5 घंटा का होगा। ठीक है, 1 घंटा मोस्ट प्रोबेबली 1.5 घंटे का होगा। तो पेपर ड्यूरेशन हमने देख लिया कि ओनली है किसके लिए पेपर ड्यूरेशन, थर्ड ईयर, क्योंकि उनकी एग्जामिनेशन होंगी थर्ड ईयर के लिए एग्जामिनेशन होंगी, तो उनका पेपर ड्यूरेशन कितना होगा, 1.5 घंटे का। और यदि हम प्रमोट की बात करें, तो फर्स्ट ईयर मैंने ये बात कवर कर ली कि प्रमोट हमारे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों के ईयर के स्टूडेंट किए जाएंगे। और इसके साथ साथ अब हम बात करें जो हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, अब क्योंकि हमारे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम होंगे, तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का क्या होगा, कुछ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन है उनका जो असेसमेंट है वो उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड पे किया जाएगा, और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऐसे एज ए प्रैक्टिकल नहीं होंगे, उनका जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के नंबर हैं उनके प्रैक्टिकल रिकॉर्ड्स हैं उनके आधार पे किया जाएगा। ठीक है, और ये जो तीनों प्रक्रिया है ये रेगुलर, एक्स और प्राइवेट तीनों के लिए अप्लाई है। मतलब रेगुलर स्टूडेंट पे फर्स्ट, सेकेंड ईयर के, थर्ड ईयर के हिसाब से प्रमोट किए जाएंगे, एक्स स्टूडेंट भी, और प्राइवेट जो फॉर्म भरते हैं स्टूडेंट वो भी किए जाएंगे। तो इसी के साथ साथ हमारी जो रेगुलर क्लासेस हैं वो 10 तारीख से रेगुलर क्लासेस आने लग जाएंगे हमारे चैनल पे। और पिछले आपको पता है कि 3-4 महीने से लॉकडाउन लग गया था, तो मैं वीडियो नहीं डाल पाया था। और यदि आप जानना चाहते हो कि मैंने पिछले 3 महीने क्या किया, तो मेरा चैनल है दूसरा, इसका नाम है, मेरे नाम से ही है, जोगिंद्र सिंह के नाम से है चैनल। इसका लिंक मैंने वीडियो के नीचे अंडर दे दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हो कि पिछले 3 महीने में मैं कहाँ कहाँ गया, क्या क्या घूमा, मेरी डेली लाइफ रूटीन क्या रही। तो मेरे व्लॉग चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, वीडियोस को देख सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम 10 तारीख से जो नई वीडियोज़ आएंगी उनके लिए मैं आपसे थोड़ी सी हेल्प लेना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बहुत कन्फ्यूज हूँ अभी कि क्योंकि फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके तो अभी
फर्स्ट ईयर की क्लास चालू होंगे, लेकिन जो कि सेकेंड और थर्ड ईयर की दोनों की एग्जामिनेशन होंगी, तो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के स्टूडेंट के लिए मैं वीडियो बनाऊँ। तो आप कमेंट में मेरे को बता सकते हैं कि आपको किस किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, तो मैं रेगुलरली वीडियो सब अपलोड करूँगा। सबसे पहले थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट हैं, उनको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है क्योंकि उनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, उनके एग्जामिनेशन आने वाले हैं, लगभग एक महीना से भी कम का समय रह गया, तो वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखें। और जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं आप उन पे वीडियोस आपको लेके आता रहूँगा। ठीक है, तो ये मेरी एक शॉर्ट वीडियो थी, एक तरह से इस न्यू सेशन का स्टार्ट हो चुका है, तो मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया है। तो आप पढ़ते रहिए, कोई डाउट्स आता है तो मेरे को कमेंट्स में बताइए, या फिर मुझे मेल भी कर सकते हैं, मेरे को व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। और बस अब स्टार्ट हो गया, तो अपना पढ़ाई जारी रखिए और जल्दी हम मिलेंगे हमारे नई वीडियो के साथ साथ। और इसके साथ साथ हमारे व्लॉग चैनल पे भी देख सकते हैं आप कितने क्या क्या किया है मैंने, क्या क्या किया है। तो ठीक है, तो मिलते हैं हमारे नए वीडियो के साथ।